ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं वीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 दिसंबर यानी कि कल के लिए जो हमारी इंट्राडे वॉच लिस्ट होगी, उसमें कौन कौन से बाइंग वाले स्टॉक होंगे, कौन से सेलिंग वाले स्टॉक होंगे और लॉजिक के साथ देखेंगे। सो आपको आइडिया है कौन सा स्टॉक बाइंग में लेके जाना है और क्यों लेके जाना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल क्यों है, तो इसको मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया कि जस्ट डायल अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, आपको ये अपर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है। तो आज इसने ब्रेकआउट करके अपर निकल गया, तो आज भी आपको इसमें बेनिफिट हुआ होगा अगर आपने जो वॉच लिस्ट बना के इसमें जस्ट डायल रखा होगा। तो अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है तो इसमें आपको थोड़ा अप ट्रेंड मिल सकता है। तो जस्ट डायल अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखो, अगर ये आपको फिर से कल कोई अपसाइड जाने का मूव देता है या अपसाइड जाने का कोई सिग्नल देता है तब आप इसमें बाय साइड आ सकते हो। तो जो हमारा जस्ट डायल है वो बाय के लिए क्यों है, नॉर्मल है, एक आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसीलिए मैं इसको बाय के साइड लेके जा रहा हूं। जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। अभी भारती एयरटेल क्यों है वो देख लेते हैं। तो भारती एयरटेल कितने दिन से क्या है कि एक अपमूव दिया, बाद में करेक्शन कर रहा था, मतलब डाउन साइड आ रहा था। तो अभी ये आज क्या है कि एक ऊपर के साइड आपको मूवमेंट देखने को मिला है, मॉर्निंग में थोड़ा नीचे जाके एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये जहां से ये रिवर्स हुआ वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये इसका सपोर्ट है, तो वहां से ये ऊपर के साइड निकला है और बाद में इधर से मैंने एक फिबोनाची रेशियो भी इसमें ड्रॉ किया है, तो वो फिबोनाची रेशियो 50% आ रहा है। तो मतलब ये लेवल जहां से ऊपर गए वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लग रहा है कि और इसमें अपसेट देखने को मिल सकती है, तो इसीलिए भारती एयरटेल को मैं क्या है कि कल बाइंग के लिए लेके जाऊंगा। अगर मेरे को कल कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है भारती एयरटेल में तब मैं इसमें बाय कर सकता हूँ। बाद में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है टीसीएस। तो टीसीएस क्यों, तो टीसी नॉर्मली है, आपको ये क्या है कि एक राइजिंग सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 2300 का लेवल दिख रहा है, तो 2300 के लेवल तक मैं इसमें बुलिश हूँ, तो इसीलिए मैं इसको कल वॉच लिस्ट में लेके जाऊंगा। अगर मेरे को टीसीएस कोई अपसाइड का ट्रेंड बताता है या अपसाइड मूवमेंट बताता है तब मैं इसमें बाय कर सकता हूँ। और इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है कमिंस इंडिया। तो कमिंस इंडिया क्यों है, तो कमिंस इंडिया आप वन डे पे देख रहे हो तो ये अपनी लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के पास, मतलब लॉन्ग टर्म जो हमें क्या है कि फॉलिंग सपोर्ट लाइन बोलते हैं, उसके पास से ही क्या है कि 2-3 दिन पहले इसने क्या है कि एक पिन बार या आप हैमर भी बोल सकते हो वो बना के एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट किया है। और हाल फिलहाल देख रहे हो तो आपको एक फॉलिंग वेज भी दिखाई दे रही है, तो ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट वैसे हो गया है आज इसमें, तो देखते हैं कल क्या होता है। तो मैं कमिंस इंडिया को क्या है कि अपनी वॉच लिस्ट में लेके जाऊंगा, क्योंकि इसमें वेज का क्या हुआ है कि ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। अगर मेरे को कमिंस इंडिया में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मैं इसमें बाय कर सकता हूँ। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये वॉच लिस्ट है, इसमें आपको देखना पड़ता है, अगर जैसा आप सोच रहे हो वैसा होता है तब आपको बाय या सेल करना होता है। ऐसा ही नहीं होता कि मार्केट ओपन होने के बाद सेल या बाय कर लिया, जो भी है। तो समझ गए, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आपको बाय या सेल करना होता है। तो कमिंस इंडिया मेरे बाय लिस्ट में, अगर मेरे को बाय में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मैं इसमें बाय आ सकता हूँ। बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है एलएनटी। एलएनटी मैंने आगे भी सजेस्ट किया हो, आज भी कर रहा हूँ, क्यों है, नॉर्मली अपने सपोर्ट लाइन से अप जा रहा है और नॉर्मली एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है। तो ये क्या है कि मेरी बाइंग लिस्ट में है, फिर से कल मेरे को बाय साइड लेके जाऊंगा। अगर मेरे को कल बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मैं इसमें बाय आ सकता हूँ। तो ये एलएनटी था, ऑलरेडी हम आगे इसको डिस्कस कर लिए है, लेकिन फिर भी हम इसको एक और दिन आगे लेके जाएंगे। सो आपको क्या है कि पता चले कि नहीं ये प्रॉपर अप ट्रेंड है या नहीं, तो इसको मैं देखता हूँ कल। अगर मेरे को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इसमें बाइंग पर्सनली भी करूंगा। बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है विप्रो। विप्रो मेरी बाइंग लिस्ट में है, वो क्यों है, तो विप्रो को आप देख रहे हो तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको क्या है कि डबल बॉटम जैसा दिख रहा है। वैसे ये इसका ब्रेकआउट के नजदीक तो नहीं है, लेकिन क्या है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम जैसा क्या है कि बता रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब मेरा 1 आवर्स पे, अगर आप इसे 1 आवर्स पे देखोगे तो वहां पे भी आपको डबल बॉटम जैसा दिख रहा है। देखो ये आपको एक डबल बॉटम जैसा दिख रहा है, हाल फिलहाल इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकल चुका है, लेकिन अभी ये रिट्रेस करा है। और देख रहे हैं तो इसमें आपको क्या है कि एक फ्लेक जैसा भी बना हुआ दिख रहा है।
तो अगर ये कल प्रॉपर ये फ्लैग या आप जो डबल बॉटम जो भी बोल रहे हो, जो भी आप पैटर्न बोल रहे हो, उसका प्रॉपर तरीके से अपसाइड ब्रेकआउट हो जाता है, तब आप इसमें बाय साइड लेके जा सकते हो। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखो, अगर आपको कल इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो। तो जो विप्रो था वो बाइंग लिस्ट में क्यों? क्योंकि 1 आवर्स पे डबल बॉटम भी बना है और फ्लैग जैसा एक पैटर्न भी बना रखा है, तो इसका ब्रेकआउट होने पर हम बाइंग साइड जाएंगे विप्रो में। बाद में जो हमारा लास्ट स्टॉक है वो सेलिंग के लिए, एक ही स्टॉक है जो मैं सेलिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, वो कौन सा है वो देख लेते हैं। तो जो मेरा लास्ट जो सेलिंग स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अभी आईसीआईसीआई बैंक क्यों है? तो आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हो आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड देखने को मिला है और पिछले 3-4 दिन से यह क्या कि अनडिसीजनल कैंडल जैसी मूवमेंट दे रहा है, तो हो सकता है इधर से ये ट्रेंड रिवर्सल का भी साइन दे। इधर से आपको एक कैंडल बड़ी वाले रेड कलर की भी दिखे, जो रिट्रेस आप बोलते हैं वो भी यहाँ देखने को मिल सकता है। तो होता क्या है, कोई भी स्टॉक एक सडनली पिक कर लेता तो वो रिट्रेस करने आता है। तो मेरे को लग रहा है अभी ये क्या है कि जिस लेवल पे खड़ा है ये 1-2 दिन में आपको रिट्रेस का मौका दे सकता है। तो देखना पड़ता है कि लाइव मार्केट में क्या बिहेव कर रहा है ये स्टॉक, तो वो देख के आपको सब लेना पड़ता है। तो इसको मैं कल सेलिंग के लिए लेके जाऊंगा, अगर मेरे को ऐसा लगे कि नहीं ये रिट्रेस करने नीचे जा रहा है तो मैं इसमें सेल कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी ओवर से वॉच लिस्ट कल के लिए। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन से स्टॉक कौन से साइड के लिए। तो जो जस्ट डायल है वो आपको बाइंग के लेके जाना है, बाद में जो भारती एयरटेल है वो भी बाइंग में लेके जाना है, बाद में TCS है वो भी बाइंग में लेके जाना है, बाद में कमिंस इंडिया वो भी बाइंग में, बाद में जो आपका L&T है वो भी बाइंग में, बाद में विप्रो वो भी बाइंग में। एक स्टॉक हमारा सेल साइड है वो है ICICI बैंक, और पहले ही मैंने बता दिया, एक और बार बता देता हूँ, अगर ये जो वॉच लिस्ट है जो बाइंग वाले बाइंग में अपॉर्चुनिटी देते तब भी आपको बाय करना है, सेलिंग वाले सेल में अपॉर्चुनिटी दे तब भी आपको सेल करना है। ऐसा ही नहीं होता है कि मार्केट ओपन होने के बाद ही सीधा ये आपने बाय या सेल वाले सेल साइड ले लिया, बाय वाले बाय साइड ले लिए। तो आपको देखना पड़ता है, मार्केट को वॉच करना पड़ता है, मार्केट कैसा बिहेव करे, आपकी वॉच लिस्ट कैसे बिहेव करे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी किसी भी स्टॉक में आपको मिलती है तब वहां से आप बाय या सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो कल के लिए वॉच लिस्ट के लिए। ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।